अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विराज, विराज, खानोग, व्हाट यू विद, व्हाट, व्हाट डू इट, हाँ, समान। राजीव बाबू मत जाइए, राजीव बाबू रुक जाइए, ये उनका चाल है राजीव बाबू। विराज, तू फिक्र क्यों करता है बेटा? सब ठीक है? तेरे सर में दर्द हो रहा है? ओह, तूने आज अपनी दवा भी तो नहीं ली ना? नहीं राजीव बाबू। ये ले बेटा। दवा? ये कौन सा दवा? नहीं राजीव बाबू, नहीं नहीं, दवा मत खाइए राजीव बाबू। बेटा अब अपने कमरे में जाके ना सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। चल जा, जा लेके जाओ इन्हें। राजीव बाबू रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए राजीव बाबू, राजीव बाबू, हमको हमारे राजीव बाबू से। वो हमारा बेटा है विराज, किसी का बाबू नहीं। और तुम यहां आई कैसे? चलो चलो बाहर निकलो। वो हमारे बाबू हैं, हमारे पति। अरे वो पत्नी को ही साबित करने का कोई जरूरत नहीं। और आपका जाने हमारे और बाबू के रिश्ता के बारे में, वो तो तब से है जब हमारे बाबू हमको देख भी नहीं पाते थे। हमारा और हमारे राजीव बाबू का रिश्ता नजरों का नहीं, दिल का है। और हम आपका सब चाल बूझ गए। आप जो हमारे राजीव बाबू के दिमाग से खेल रही है ना, हम सब बूझ गए। आप उनको कोनो दवा देकर उनका मति भरमा सकती है, लेकिन राजीव बाबू के दिमाग में जो बसा हुआ याद है ना, उसको आप कितना भी तोड़ मरोड़ लें, उनके दिल में बसा हुआ कुहू का याद उसको कैसे हानि पहुंचाएंगे आप? प्यार हमारे और राजीव बाबू के अंतर आत्मा में बसा है, वो कोनो दवाई जड़ी बूटी या जादू तोड़ना से नहीं बदलने वाला। हम अपने बाबू के हैं और बाबू सिर्फ कुहू के, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अपनी ये नौटंकी की लाइनें बंद कर। तुझे जितना चीखना चिल्लाना है, रोना गाना है, कोशिश करके देख ले, मेरे बेटे विराज पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इस कोशिश में तू खुद ही पागल हो जाए। ध्यान रखना। तुम सिद्धेश्वरी देवी के बेटे हो विराज, विराज, विराज। मेरा नाम विराज है और मैं सिद्धेश्वरी देवी का बेटा हूं। आपके दिमाग से कोई खिलवाड़ कितना क्यों ना करे, हमारी यादों को मिटा नहीं सकता। हमारा याद कायम रहेगा। अपने इस आने वाले बच्चे के पास लौट के आएंगे आप, बहुत जल्द कुहू के पास लौट के आएंगे आप। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आएंगे, आएंगे। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देव नारायण चंदेल और उसके खानदान से बदला लेना है, इंतकाम लेना है। बदला लेना है, इंतकाम लेना है। तुमको 7 दिनों में चंदेल भवन सिद्धेश्वरी देवी के नाम कराना है। 7 दिन के अंदर अंदर? इन 7 दिनों में
हम हमारे राजीव बाबू की सारी यादें, मुंह का सारा बात याद दिला के रहेंगे। वो बीता हुआ समय, वो हमारा प्यार, हम राजीव बाबू को याद दिला के रहेंगे। उनके मन में, उनके दिमाग में, भोलेनाथ की कसम, हम अपने राजीव बाबू को पाके रहेंगे, पाके रहेंगे अपने राजीव बाबू को, चाहे कोई कुछ भी काहे ना कर ले। कोर्ट के ऑर्डर्स लाया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, मिल्कियत, ये सबको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया है। तो आज से ये घर और ये घर से जुड़ी सारी प्रॉपर्टी, इसका डिसीजन कोर्ट के अधीन है। ये जो कुछ भी है ना, वो मेरा और मेरी मां का है, तुम्हारा नहीं। क्या बकवास है, जो कुछ भी बोलना है, सुनना है, कहना है ना, सब कोर्ट में। यहां अगर मेरे साथ या मेरी मां के साथ कोई भी बदसलूकी की ना, तुमको और तुम्हारे खानदान को बहुत महंगा पड़ेगा। ये तुम्हारी माँ नहीं है। और ये कौन बताएगा मुझे? तुम बताओगी मुझे कि ये मेरी क्या लगती है? तुम जो खुद अपने रिश्ते नाते संभाल नहीं पाई, बरसों से यहाँ मायके में रह रही, अपने भाई के टुकड़ों पे पल रही है, वो बताएगी मुझे? राजीव, कैसा बात कर रहे? बुआ जी है आपकी, माँ जैसी है, कहाँ गया आपका संस्कार? मैं क्या था, मैं कैसा था, कैसा हूं, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं मुझे। इंस्पेक्टर, सर ये कोर्ट नोटिस आपको अलर्ट करने के लिए है। कोर्ट के नियम हमें ना बताएं। सॉरी सर, इजाजत दीजिए। जय हिंद सर। तुम और तुम सब अपना बोरिया बिस्सा बांधना शुरू कर दो और इस घर से निकलने की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि अगले 7 दिन के अंदर अंदर तुम और तुम्हारा ये पूरा खानदान सड़क पर होगा। क्यों, देवनारायण चंदेल, मेरी मां को रुलाया था ना तुम? अब देख, जब सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेगा ना, तब तू रोएगा और तेरे साथ रोएगा ये तेरा पूरा खानदान। होश में आइए राजीव बाबू, आपके बाबा देव बाबा हैं। ये लड़की, बंद कर अपना ये नाटक। बंद आप कीजिए, ये जो आपके दिमाग के साथ खेल रही है ना, वो बंद कीजिए और देखिए चारों तरफ घूम घूम के देखिए ना जरा, ये वही घर है, ये वही जगह है जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ आपका बचपन बीता है, जहाँ आप अपनी माँ का लोरी सुने, जहाँ आपके देव बाबा आपको हाथ पकड़ के चलना सिखाए हैं। देखिए ना घूम के, क्या हो गया आपको? ए! हाथ नहीं लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।